हे गाइस नमस्कार। वो दो सफल लोगों की बात करेंगे जिन्होंने चाय के बिजनेस में सफलता तो प्राप्त की ही है, साथ में महारत हासिल किया है। उनका टर्नओवर करोड़ों अरबों में है। और दोस्तों साथ में ही विस्तार से चर्चा करेंगे कि चाय का बिजनेस कैसे शुरू करके आप भी इनकी तरह करोड़ों में टर्नओवर कमा सके। और विस्तार से भी चर्चा करेंगे कि कैसे आप सफल हो सकते हैं। चाय की टपरी, ठेला, स्टोर या गुमटी आपको हर गली, मोहल्ला, चौक चौराहा पर तो देखने को मिल ही जाएगी, लेकिन इनमें से सभी कोई सफल नहीं है। जो सफल हैं वो बहुत कम हैं। और सफलता का मूल मंत्र क्या है, चाय के बिजनेस में आखिर सफल कैसे होते हैं, जिनका टर्नओवर आज करोड़ों में है, जिन्होंने 8000 रुपए से शुरुआत किया था और आज उनका कमाई करोड़ों अरबों में है, कैसे तय किया, क्या करना होता है इस बिजनेस में, हर कोई क्यों सफल नहीं होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। और आपको बताएंगे कि आप कैसे सफल हो सकते हैं चाय के बिजनेस में, अच्छे से शुरुआत करके बिल्कुल कम पूंजी के साथ ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। MBA चाय वाला मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे 4 साल पहले 8000 रुपए से शुरुआत करके सड़क किनारे एक ठेले लगाते थे और आज पूरी दुनिया में इनके चाय का फेमस स्वाद ले रहे हैं लोग। आप सोच सकते हैं कि एक चाय के बिजनेस से इतना बड़े मुकाम तक पहुंचने का जो सफर है वो कितना स्ट्रगल रहा होगा, कितना मेहनती रहा होगा और कितना अच्छा रहा होगा, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे यानी कि MBA चाय वाला चाय के बिजनेस में सफल कैसे हुए। दोस्तों 3-4 स्टेप्स हैं जिनके वजह से MBA चाय वाला सफल हुए हैं। दोस्तों जब शुरुआत किए तो उसके बाद 2 सालों तक तो कर्फ्यू लगा हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, और लॉकडाउन के दौरान भी इन्होंने यह सफर जारी रखा और आज सफलता के मुकाम में खड़े हुए। जब इनके चाय के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता था चाय पीने, तो ऐसे में इनका चांस था कि कोई आ नहीं रहा है तो हमें जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये नए नए लोगों के पास जाते थे और एक टारगेट रखते थे कि हर रोज अपने दुकान पर 50 से 100 नए लोगों को अपने दुकान पर लाने का। ये गजब का आइडिया लगा मेरे को, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज होंगे और अपने चाय का स्वाद अगर लग गया उनके तो डेली का ग्राहक बन जाएंगे। और दोस्तों दूसरी बात अब मैं बताता हूँ आपको, जब वैलेंटाइन डे था तो उस दिन सिंगल लोगों को फ्री में चाय पिलाए, जिससे सोशल मीडिया में गजब का वायरल हुए। पूरे दुनिया में पता चल गया कि MBA चाय वाला जो अहमदाबाद में खोल के रखा है और वो यहाँ पर फ्री में चाय दे रहा है सिंगल लोगों को, तो कितना ज़्यादा मार्केटिंग हुआ आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनसे सफल होने का बहुत ही बड़ा राज है ये भी। और दोस्तों सोशल मीडिया का गजब का फ़ायदा उठाए, छोटे छोटे क्लिप रिकॉर्ड करके यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डालते गए और धीरे धीरे इनकी सोशल मीडिया पर नेटवर्क फैलती गई और धीरे धीरे ये फेमस हो गए। और इनकी चाय का स्वाद भी लाजवाब है, इनका शब्दों पर तो बता ही नहीं पाना है। चाय भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाते हैं और चाय पिलाने का तरीका और चाय सर्व करने का तरीका, फ्री में पानी के साथ साथ टिश्यू पेपर ये सब देना भी बहुत ही ज़्यादा इनकी मार्केटिंग में हेल्प की है। और धीरे धीरे करके आज ये सफल के मुकाम में खड़े हैं, धीरे धीरे ये पूरे दुनिया में फ्रेंचाइजी दे रहे हैं और फ्रेंचाइजी लोग ले रहे हैं। अब बात करेंगे दूसरा सफल इंसान की, जिन्होंने चाय के बिजनेस में महारत तो हासिल किया ही है, इनके साथ ही साथ पूरी दुनिया इनके चाय की चुस्की ले रही है। चाय सुट्टा बार, नाम अवश्य सुने होंगे, अनुभव दुबे नाम है इनका, जिन्होंने इस चाय सुट्टा बार का शुरुआत किया है। दोस्तों इनके माता पिता का सपना UPSC क्लियर करने का था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इन्होंने तो चाय सुट्टा बार खोल लिया और धीरे धीरे इस बिजनेस में काम करते गए और पूरे दुनिया में फेमस हो गए। आज फ्रेंचाइजी दे रहे हैं लोगों को। दोस्तों अलग अलग शहरों में आपको चाय सुट्टा बार देखने को मिल ही जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी सफलता का राज क्या है। दोस्तों इन्होंने नए नए लोगों को फ्री में चाय पिलाना शुरू कर दिया और जब फ्री में चाय पिलाना शुरू कर दिए तो मार्केटिंग बढ़ती गई, नए नए नेटवर्क फैलते गए। और दोस्तों चाय के साथ साथ कूल कॉफ़ी भी देना प्रारंभ कर दिया, और एक दिन दिया उसके बाद दूसरा दिन थोड़े ना देगा आदमी, उसके बाद तो पैसे लेने प्रारंभ कर दिए। और इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हुई कि इनकी 2020 के दशक में 3 लाख कुल्हड़ एक दिन में चाय बिकती थी। मैं आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा फेमस हुए कि इनका सालाना टर्नओवर कमाई 100 करोड़ से भी ऊपर है। तो आपको ये इससे पता लग सकता है कि चाय के बिजनेस से छोटे से स्तर लगभग 2 से 2.5 लाख से शुरुआत किए थे और आज पूरी दुनिया में फेमस है। चाय का बिजनेस भले ही छोटा लगता होगा आपको, लेकिन कमाई इसमें भरमार है। 5 से 10 रुपए के जोड़ जोड़ कर कमाई कितनी होगी आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों कोई भी बिजनेस छोटा और बड़ा नहीं है। आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर हम अब बात करेंगे कि आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं और इनकी तरह कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों चाय का बिजनेस
नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कई सारे थॉट्स चलने लगते हैं, जैसे कि इतना छोटा सा बिजनेस मैं कैसे कर सकता हूँ, अरे लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार हंसेंगे, मेरे दोस्त यार क्या कहेंगे, इतना छोटा सा 5-10 रुपए वाला बिजनेस मैं कमा ही कितना सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पूरा क्लियर ही कर दिया है पहले कि जिन्होंने 8000 से शुरुआत किया और आज पूरे दुनिया में करोड़ों अरबों कमा रहे हैं और पूरी दुनिया में इनकी मार्केटिंग, कौन नहीं जानता है MBA चाय वाले प्रफुल बिल्लोरे को, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो कोई भी बिजनेस छोटा नहीं है, कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं है, जो बिजनेस है सब बिजनेस अच्छा ही है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो चाय बिजनेस कैसे शुरू करके सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र देने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप ही को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की। दोस्तों चाय के बिजनेस में सफलता दिलाने के लिए लोकेशन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों आप ऐसे जगह सेलेक्ट करें जहां पर भीड़ भाड़ हो, मेन मार्केट हो सकता है, मॉल हो सकता है, बड़ी बड़ी लोग आकर वहां पर आते गुजरते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो, चौक चौराहा गली मोहल्ला भी हो सकता है आपके ऐसे इलाका में जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ हो, ऐसे जगह सेलेक्ट करें और वहां पर चाय का स्टॉल खोलें और शुरुआत आप छोटे स्तर से करें। जिन्होंने जैसे MBA चाय वाला ने शुरुआत 8000 रुपए से किया, तो आप 5000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, 3000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, आपको जितना कम लगे उतना से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते जाइए। अब बात करेंगे नेम के ऊपर। दोस्तों आपकी बिजनेस की पहचान नाम से ही होती है। जब भी कोई बिजनेस करने उतरता है तो उसको पैसों के साथ साथ नाम या फेमस होने का भी शौक होता है। दोस्तों ऐसे में आपकी अगर अपना बिजनेस के साथ साथ अपना पहचान पूरी दुनिया में बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए एक ब्रांड नेम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप सफल हो जाते हैं इस बिजनेस में तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, नए लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और ऐसी स्थिति रही सफलता की तो आप फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं। इसलिए आपका ब्रांड नेम होना बेहद जरूरी है। तो एक ब्रांड नेम का तलाश बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर रखिए अपने दुकान का नाम, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। इसी बीच में आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो आपको शुरुआत छोटे स्तर से ही करना होगा। अगर आपको 100 तक पहुंचना है तो आपको शुरुआत 0 से ही करना होगा। जिस तरह MBA चाय वाला ने शुरुआत किया, जिस तरह चाय सुट्टा बार ने शुरुआत किया, इससे आपको सीखने को बहुत ही ज़्यादा मिल सकता है कि जिन्होंने कुछ चंद पैसों से शुरुआत करके आज इतनी बड़ी मुकाम पर खड़े हुए हैं। बात करेंगे दोस्तों कि चाय के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि चाय को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। केतली, गैस सिलेंडर, स्टोव, ग्लास होल्डर, मिल्क, शुगर, और साथ ही साथ आपको पानी की जरूरत पड़ेगी और टी मसाला की जरूरत पड़ेगी, आपको चेयर की जरूरत पड़ सकती है और कुर्सियों की जरूरत कुछ पड़ सकती है और टेबल की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप चेयर और कुर्सियों को शुरुआत में ना रखें फिर भी चलेगा। इसी बीच मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों कि अपने चाय की टपरी या ठेला या स्टॉल पर तरह तरह के नए नए वैरायटी के चाय रखें, ताकि आप नए नए कस्टमरों तक जल्दी से जल्दी अपना पहुंच बना सकते हैं। ऐसे में आपके चाय के टपरी या ठेले पर लोग ज़्यादा एंगेज होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ पाएंगे, जिससे आपकी सफलता जल्दी मिल सकती है। बात करेंगे कि चाय की स्टॉल या टपरी या ठेला खोलने में कितना लागत आएगा। जैसा कि दोस्तों आपने MBA चाय वाला मिस्टर प्रफुल बिल्लोरे से तो आपने सुना ही होगा कि उन्होंने 8000 रुपए से शुरुआत किया था, लेकिन आप इस बिजनेस को 5000 से भी शुरुआत कर सकते हैं ना, मिनिमम खर्च से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों 5-6 जितना आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे उतना से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप शुरुआत में कम इन्वेस्ट से शुरू करें, ताकि आपको धीरे धीरे इस बिजनेस में एक्सपीरियंस होते जाएंगे और धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करते जाएंगे। अब दोस्तों चाय के बिजनेस में कमाई कितनी होती है इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि चाय के बिजनेस में कमाई कितनी होती है। दोस्तों आज हमारे भारत में लगभग हर जगह चले जाइए लगभग 10 रुपए में ही एक कप चाय मिलती है, तो ऐसे में एक कप चाय को बनाने में कितना खर्चा होता है, लगभग 3-4 रुपए खर्च आती है। लेकिन मान लीजिए आपको सर्व करते तक 5 रुपए खर्च पड़ती है, तो आप 10 रुपए में जब सेल करते हैं तो आपको 50% की कमाई होती है। तो ऐसे में आप 5 रुपए का बनाएंगे तो 5 रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे। दोस्तों 10 रुपए में बेचेंगे तो 5 रुपए आपकी लागत होगी और 5 रुपए आपकी कमाई होगी। ऐसे में आप लगभग 300 कप अगर बेच देते हैं दिन भर में तो आपकी तो कमाई ही कमाई होगी। अगर 200 कप भी बेच देते हैं तो आपको लगभग 30,000 महीना तक आपकी कमाई हो सकती है। तो आप भी इस बिजनेस से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी आपके पूरा सेलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी, जितनी ज़्यादा आपकी चाय बिकेगी उतनी ज़्यादा कमाई होगी। अब बात करेंगे दोस्तों कि चाय के इस बिजनेस में लाइसेंस लेना क्या जरूरी है। दोस्तों किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए लाइसेंस लेना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों आए दिन आप अखबार या न्यूज टीवी चैनल पर देखते ही होंगे कि सड़क किनारे बिजनेस कर रहे लोगों को हटा दिया गया है और उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया है। लेकिन ऐसे में अगर आपके पास लाइसेंस होंगे
तो आपको कोई नहीं हटा पाएगा, अगर हटाता भी है तो आपको पूरा पूरा मुआवजा देगा। तो ऐसे में अगर आप छोटे स्तर पर जब इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, चाय की ठेला या गुमटी करते हैं, तो आप नगर निगम से एक लाइसेंस ले लेते हैं। और अगर आप बड़े स्तर पर इस बिजनेस को शुरुआत करेंगे तो आप FSSAI का और फायर विभाग से आप लाइसेंस ले सकते हैं। ऐसे में आपको अगर किसी भी दिन हटाए जाते हैं तो आपको पूरा भरपूर मुआवजा दिया जाएगा, तभी आपको वहां से हटाया जाएगा, अन्यथा कोई नहीं हटा सकता है। तो ऐसे में लाइसेंस लेना आपको ही लाभकारी साबित होगा। अब बात करेंगे दोस्तों कि मार्केटिंग कैसे करें। दोस्तों चाय के इस बिजनेस में मार्केटिंग कैसे करें, दोस्तों MBA चाय वाला किस तरह से मार्केटिंग किया जिससे सफलता प्राप्त हो गया, इसने मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि प्रचार के बिना व्यापार नहीं हो सकता। ऐसे में आपको प्रचार बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना होगा। दोस्तों MBA चाय वाला ने जैसे प्रचार किया वो तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस बिजनेस में कैसे प्रचार करके सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों आप सोशल मीडिया का भरपूर फायदा उठा सकते हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक का तो आप भरपूर फायदा उठाइए और यहाँ पर छोटे छोटे अपना क्लिप डालिए, तो जिससे आपको इंगेज आएगा और आपके ऑडियंस तक जब पहुँचेगा वीडियो तो आपके चाय की स्टोर पर ऑटोमेटिक दौड़ते हुए आएंगे, जिससे आपकी मार्केटिंग कई गुना तक बढ़ जाएगी। आप डायरेक्ट लोगों से बात कर सकते हैं बहुत बेहतरीन से, नए नए लोगों को अपने दुकान पर लाने का कोशिश कीजिए, नए नए लोगों को अपना चाय पिलाइए और टेस्ट कराइए कि कैसा चाय बनी हुई है, पूछिए उनसे। साथ ही साथ दोस्तों अपने चाय के स्टॉल पर या चाय के ठेले पर इवेंट्स भी करते रहिए, छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन इवेंट्स करते रहिए, जिससे नए नए लोग आपके इस बिजनेस में जुड़ने लगेंगे, आने लगेंगे और कस्टमर बनने लगेंगे। तो ऐसे में आप इस बिजनेस में जल्दी सफल हो सकते हैं। किसी भी बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं इस पर भी कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सफल हो सकें। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।